हेलो एवरीवन, माय नेम इज अदनान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अदनान डॉग ट्रेनर। आज हम इसको सल्यूट की कमांड सिखा रहे हैं और आप भी अपने घर में डॉग को सिखा सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को पूरा प्रॉपर देखेंगे, फिर ही आप भी अपने डॉग को सिखा सकते हैं। डॉग ज़्यादातर चिकन शौक से खाता है और आपके पास चिकन होना चाहिए। डॉग फूड भी ले सकते हैं, ट्रीट भी ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ज़्यादातर अगर आप चिकन लेंगे तो वह डॉग बड़ी जल्दी से अपने पाँव को ऊपर उठाएगा। तो आपने सल्यूट बोल सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे वर्ड बोल सकते हैं, सल्यूट, गुड गर्ल। अगर आप उसको ऐसे ट्रीट दे रहे हैं तो वो अपना बैलेंस काफ़ी अच्छे बना लेगा, वेरी गुड। इस तरह आपने उसको सल्यूट की कमांड देनी है, सल्यूट, गुड गर्ल। स्काई ने अच्छा किया है, सल्यूट, वेट, वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड। इस तरह आपने उसको ट्रीट देनी है, सल्यूट, नाउ वेट, कम ऑन स्काई, गुड गर्ल, सल्यूट, काफ़ी अच्छा कर रही है। इस तरह आपने इसको सल्यूट सिखाना है। जब प्रैक्टिस में आप रखेंगे, अगर आप 3-4 दिन इसी तरह प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे तो ये डॉग सल्यूट करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह फिर आप उसको सल्यूट, वेरी गुड, जब आप सल्यूट बोलेंगे तो वो इस तरह कमांड जो है फॉलो करेगा। और स्काई, स्पीक 1 टाइम, वेरी गुड, 2 टाइम स्पीक, वेरी गुड, 3 टाइम, वेरी गुड, 4 टाइम, वेरी गुड। इसी तरह हमने कंटिन्यू रखना है और ये कमांड बड़ा अच्छा फॉलो कर रही है। अब मैं इसको इनसाइड की कमांड बोलूँगा कि डॉग अगर आपका इनसाइड जाता है वो प्रैक्टिस करेंगे, गो इनसाइड, वेरी गुड। जब आपने उसको इधर से कमांड देनी है कि वो आपके पास वापस आए, आप उसको किस तरह सिखा सकते हैं वो सारे तरीके मैं अभी आपको वीडियोज में बता रहा हूँ। आप भी अपने घर में डॉग को इजीली सिखा सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में तो पास से ही उसको इनसाइड बोलना है, स्काई कम, कम। अगर आपका डॉग नहीं आ रहा तो आपने उसके पास चले जाना है, स्काई कम ऑन, कम, गुड गुड, वेरी गुड। इस तरह वो खुशी से बाहर आएगा, गो इनसाइड, खुशी से बाहर जाएगा, वेरी गुड, कम, वेरी गुड। इस तरह डॉग आपका सीखता जाएगा और आपने स्पेस बढ़ाते जाना है, गो इनसाइड, वेरी गुड, स्काई कम, कम स्काई, स्काई, स्काई हील, हील स्काई, वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह आप अपने डॉग को इनसाइड सिखा सकते हैं। जब भी आपका डॉग आप बाहर लाते हैं तो वो बड़े शौक से फिर अपने केज में जाया करेगा। आपको मुश्किल नहीं होगी कि आप उसको ऐसे भाग के जा रहे हैं तो वो डॉग कभी इधर चला जाएगा कभी उधर, वो प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसको इनसाइड सिखाएंगे। जब भी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप उसको आराम से बोलेंगे, गो इनसाइड, तो वो अपने केज में जाएगा। आपने उसको अप्रिशिएट करना है, लेकिन आप कंटिन्यू रखेंगे और साथ साथ उसको अप्रिशिएट करेंगे तभी ही ये आपकी लिए आसानी होगी, तो आपका डॉग इजीली सीख जाएगा। काफ़ी इसने कमांड सीख ली है, अब इसकी शो की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ अब इसको वॉक करवा रहे हैं, क्योंकि वॉक बहुत ज़रूरी है। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि डॉग को वॉक कैसे करवाते हैं। फिर आप जैसे ही शो में जाते हैं और आपका डॉग अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जज भी खुश होता है कि आपने डॉग को बड़ा अच्छा कैरी किया हुआ है और बड़े अच्छे से उसको वॉक करवाए, टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए तभी आपको जाके वो ट्रॉफी मिलती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल से बताऊंगा, वॉक कितनी ज़रूरी है, ट्रॉट करवाना है, स्टैक करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आपने शो में जाना है। और आपको पूरी मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी, जब आपने उसका कोट का, उसकी हेल्थ का, सारी डिटेल जो फिर नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।